तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस बात को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो हम मार्केट जा रहे थे और गाड़ी अचानक से पंचर हो गई, स्कूटी मेरी पंचर हो गई थी, तो हम पंचर बनवा रहे थे उस टाइम पर। आप लोग देख सकते हो कितना ट्रैफिक है रोड पर, ट्रैफिक और कहीं का भी ट्रैफिक हो, चाहे मुंबई का हो या कहीं का भी, और मुंबई में तो ट्रैफिक रहता ही ज़बरदस्त है। तो ट्रैफिक था फुल ऑन एंड मैं वहाँ साइड में खड़ी हुई थी एंड मैं एक मार्केट का ब्लॉग शूट करने वाली थी, बट मतलब वो चीज़ देख के मेरा मूड ख़राब हो गया। एक मैम थे, मैंने इस वीडियो में उनको कैप्चर नहीं किया है, एक मैम थे और वो प्रेग्नेंट थे, मे बी 7 to 8 months वो प्रेग्नेंट थे और वो टू व्हील ड्राइव करके जा रहे थे और वो इतना रफ गाड़ी चला रहे थे कि मुझे उनको देखकर मुझे गुस्सा आ रहा था कि मतलब ये इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहे हैं। बात समझ में आती है कि छूटने के बाद, काम से छूटने के बाद आदमी को उतावल होता है, इंसान को उतावल होता है, जल्दी घर पहुँचना चाहता है। अगर आप लोग ड्राइव कर रहे हो तो बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिए, आपको 10 मिनट की जगह 50 मिनट लगे वो चल जाएगा, बट बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिए क्योंकि इस चीज़ से मैं गुज़र चुकी हूँ। व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम, मतलब मैं 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, अपनी थी उस टाइम पे, मेरी बिटू थी, तब मेरा एक्सीडेंट हुआ था और बहुत ही ऊपर वाले की दुआ थी और माँ बाप का आशीर्वाद था कि मुझे और मेरी बेटू को कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं उस चीज़ से गुज़र चुकी हूँ, तो सो एक फैमिली से भी, फैमिली मेंबर से भी और जो लेडीज़ गाड़ी चलाते हैं उनसे भी ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्रेगनेंसी में गाड़ी अवॉइड करें। भले आपको रेंट भाड़ा ज़्यादा देना पड़े, दे दीजिए, ऑटो कर लीजिए या बस कर लीजिए, ट्रेन कर लीजिए, या जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ पे आप बात कीजिए आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस के लिए, बट ऐसा रिस्क मत लीजिए क्योंकि हर समय एक बराबर नहीं होता है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। सो दैट इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल फैमिली मेम्बर्स और जो भी महिलाएं गाड़ी चलाती हैं उनसे, प्लीज़ इस मामले को बिल्कुल भी हल्के में ना लेते हुए, अपना और अपने बच्चे को प्रायोरिटी देते हुए गाड़ी ना चलाएँ।